केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर, पुलिसिंग। दिल्ली में संवैधानिक व्यवस्था बहुत स्पष्ट है, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, लैंड, ये मात्र तीन जिम्मेदारियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के पास है। बाकी सारा काम दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास है। लेकिन अगर आप भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए तो वो अपना 99% टाइम लगाते हैं चुनी हुई सरकार के काम रोकने में, और शायद 1% भी समय वो नहीं लगाते हैं अपने काम करने में, पुलिस व्यवस्था ठीक करने में, सुरक्षा व्यवस्था ठीक करने में, दिल्ली की महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को सुरक्षित रखने में। आज दिल्ली में वो हाल हो गया है जो एक समय बॉम्बे में होता था कि अंडरवर्ल्ड का राज है, गैंगस्टर्स का राज है। कल शाम को वेलकम इलाके में 60 राउंड गोलियां चली हैं। रोज रोज खबरें आती हैं कि गैंगस्टर्स एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, पैसे उठा रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। आज एक स्कूल के बाहर एक छोटा बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। ये क्या हो रहा है दिल्ली में? इसका सिर्फ एक कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार सिर्फ दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम रोकने में, अरविंद केजरीवाल जी के काम रोकने में, अरविंद केजरीवाल को परेशान करने में लगी हुई है और अपना एक भी काम नहीं कर रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से दिल्ली वालों की तरफ से अपील करना चाहूंगी कि आप दिल्ली वालों के साथ राजनीति करना छोड़ दीजिए। जो चुनी हुई सरकार के काम है वो आप हम पे छोड़ दीजिए, उसमें आप दखल मत दीजिए। हम वो काम, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, पानी हो, सड़कें हैं, हम सब कुछ करके दिखाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी के जेल से बाहर आने के बाद लगातार पूरी स्पीड से दिल्ली में काम हो रहे हैं। लेकिन जो काम आपकी जिम्मेदारी है, जो सेफ्टी और सिक्योरिटी आपको देनी है, मैं भारतीय जनता पार्टी से अपील करूंगी कि उस पर भी आप कुछ ध्यान दें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।